भगवान ने इसलिए रूप धारण किया कि कलयुग के लोग आएंगे तो पूछेंगे तो एक बार कि ये अजीब सा विचित्र सा रूप कैसे, हाथ इतने से हैं, चरण, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी, विशाल नेत्र। तब ये कथा सुनाई जाएगी कि इसलिए श्री राधा रानी के प्रेम को सुन करके ये तीनों अपना आपा संभाल नहीं पाए। रानियों ने देखा कि ये कृष्ण पूरी रात रात भर राधा 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 कहके रोते रहते हैं। इससे पहले जानती नहीं थी वो कौन है राधा, बस सुना है कि हमारे नाथ रात भर ये राधा राधा करके याद करते, पर पूछे किससे कि कौन है राधा, इनसे कहेंगी इनसे पूछेंगी तो ये तो राधा सुनते ही एकदम मदहोश हो जाते, बावरे हो जाते। तो सबने सलाह की कि हमारी माता जो है रोहिणी मैया, ये कृष्ण के साथ रही थी ब्रज में, तो ये जरूर जानती होंगी कौन है राधा। तो रोहिणी मैया से कहा, माता एक जिज्ञासा है। रोहिणी मैया ने कहा, बोलो। रानियों ने कहा, हमको राधा रानी का चरित्र सुनना। तो रोहिणी मैया बड़ी जोर से हंसने लगी, अरे बावरी, किसकी जीभ में सामर्थ्य है कि राधा रानी के चरित्र को बता सके, मेरी तो नहीं है। आप नहीं बता सकती तो कुछ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा हमें बता दीजिए। रोहिणी मैया ने कहा रानियों को, अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा, पर ये बताओ अगर वो चरित्र कृष्ण ने सुन लिया तो। रानियां बोली, ऐसे कैसे सुन लेंगे, वो तो सुधर्मा सभा में बैठे हैं, कितनी दूर सभा है, हम यहां बैठ करके सुनाएंगी तो आवाज वहां थोड़ी पहुंच जाएगी। रोहिणी मैया हंसने लगी, तुम अभी भी नहीं समझी राधा कृष्ण के प्रेम को, अभी भी तुम्हें लगता है कि वो कई कोसों दूर है तो वो सुन नहीं पाएगा। अरे एक मिश्री का डला चाहे कितनी भी दूर पड़ा हो पर उसकी सुगंध महक पाकर के कोसों दूर से चींटियां भागी भागी आती। राधा नाम वो मिश्री का डला है जिसको सूंघ के राधा नाम सुन करके कृष्ण दौड़ा दौड़ा चला जाता, भागा भागा चला। रानियां बोली, नहीं नहीं नहीं, आपको सुनाना ही पड़ेगा, आपको सुनाना ही पड़ेगा, सुनाओ ना, हम बाहर दरवाजे पर पहरेदार खड़े कर दें। बोले, पहरेदारों से कृष्ण रुक जाएगा, किसी पहरेदार में है इतनी हिम्मत कृष्ण को रोक? बोले, हम कृष्ण की बहन को खड़ा कर देंगे, सुभद्रा खड़ी हो जाएगी, ये तो रोक के खड़ी हो जाएगी, भाई को मानना पड़ेगा बहन की बात। चलो ठीक है, सब बैठ गई 16108 रानी, बीच में माता रोहिणी बैठी और तब शुरू हुआ श्री राधा चरितामृत। रोहिणी मैया ने सुनाया, नंदगांव के पास एक गांव था बरसाना, और उस बरसाना में वृषभान की लाली थी जिसका नाम था राधा। बस इधर राधा बोला ही कि सुधर्मा सभा में सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण के शरीर में मानो कोई विद्युत, कोई बिजली दौड़ उठी। एकदम चौंक गए, किसने लिया ये नाम, इस द्वारिका में कौन है जो मेरी प्राणेश्वरी का नाम ले रहा। बलराम जी बैठे थे, बलराम जी ने पूछा, क्या हुआ कृष्ण? कृष्ण चुप रहे। उधर कथा और राधा रानी के चरित्र की आगे बढ़ी, और उधर राधा रानी के चरित्र की कथा आगे बढ़ी, और यहां कृष्ण का एक जगह बैठना मुश्किल हो गया। कथा बढ़ते बढ़ते ऐसा शरीर में करंट दौड़ा कि रोक नहीं पाए कृष्ण, और सभा को छोड़ के, सब गणमान्य महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे, सबको छोड़ के कृष्ण भागे, दौड़े। बलराम जी भी पीछे पीछे दौड़े, क्या हुआ कृष्ण को? दोनों भागते भागते कृष्ण खिंचे चले आए जहाँ श्री राधा रानी की चर्चा हो रही थी। बाहर सुभद्रा खड़ी थी, बोले, भैया आप भीतर नहीं जा सकते।
अच्छा ठीक है, भीतर नहीं जा सकता पर यहां खड़े होके सुन तो सकता हूं। तू भी सुन, कितने बरस हो गए श्री राधा रानी के चरित्र को सुने हूं। तीनों ने कान लगा लिए दीवाल से और श्री राधा रानी का चरित्र सुनने लगे। सुनते गाते गाते रोहिणी मैया सुनाती गई, चरित्र बढ़ता गया, तीनों डूबते गए और डूबते 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 देवर्षि नारद जी आए हैं द्वारिका में कृष्ण से मिलने। और जैसे मिलने के लिए आए, दरवाजे पर देखा ये क्या हो रहा है। कृष्ण बलभद्र सुभद्रा तीनों का शरीर राधा रानी का चरित्र सुन करके धीरे धीरे पिघलने लगे, हाथ पिघलने लगे, पांव पिघलने लगे, आंख बड़ी बड़ी हो गई, शरीर धस गया भीतर। कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है, लोहा पिघल नहीं सकता, लेकिन अगर लोहे को गर्माहट दी जाए तो लोहा भी पिघल जाता। प्रेम की जब वो सुंदर चर्चा होती है तो शरीर पिघल गया। कहां होगा दुनिया में ऐसा प्रेम, कहां होगा ऐसा चरित्र राधा रानी का कि शरीर ही तीनों का पिघल गया। और वही मूर्ति आज उड़ीसा में श्री जगन्नाथ प्रभु के रूप में बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ तीनों विराजमान। इस बात का प्रमाण है, ये श्री राधा रानी के प्रेम का प्रमाण है जगन्नाथ भगवान। आप सब जिस भूमि पे हैं, जगन्नाथ भगवान कोई पुण्यों के देवता नहीं है, जगन्नाथ भगवान प्रेम के देवता है। भगवान ने इसलिए रूप धारण किया कि कलयुग के लोग आएंगे तो पूछेंगे तो एक बार कि ये अजीब सा विचित्र सा रूप कैसे, हाथ इतने से हैं, चरण आंखें ऐसी बड़ी बड़ी विशाल नेत्र, तब ये कथा सुनाई जाएगी कि इसलिए श्री राधा रानी के प्रेम को सुन करके ये तीनों अपना आपा संभाल नहीं पाए। और उसी प्रेम मूर्ति को भजने के लिए राधा कृष्ण ने कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। बंगाल से चल करके उड़ीसा जगन्नाथपुरी महाप्रभु आए। और जब जगन्नाथ भगवान के पहली बार जब गए उनके गर्भगृह में, सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं खड़े थे। जैसे देखा एक बड़ा लंबा चौड़ा सन्यासी कैसे बावरों की तरह हा श्री राधे हा श्री राधे हरी बोल कह के कैसे बिलक बिलक के रो रहा, पागलों की तरह जैसे बच्चा रोता। अब रो नहीं रहा, बेहोश होके मूर्छित होके धरती पर गिर पड़े। ये कैसा भगवान है, ये कैसा साधु है। सन्यासी कभी रोता है, सन्यासी कभी नाचता है, लेकिन ये देखो। और फिर आज भी प्रमाण है जगन्नाथ मंदिर में, जब विरहातुर होके महाप्रभु खंबे से अपने जकड़ते थे उस खंबे को, तो प्रेम में खंबा पिघल जाता और महाप्रभु के उंगलियों के निशान उस खंबे पर छप गए। वो इस प्रेम का प्रमाण है कि देखो प्रेम क्या कर सकता है। और फिर अंत में वो महाप्रभु सीधा जा करके उन्हीं श्री जगन्नाथ भगवान में समा गए। ये है श्री राधा रानी का प्रेम, शब्दों से परे, शब्दातीत, किसी अच्छे से अच्छे अरे विद्वान छोड़, अगर कृष्ण को भी कह दिया जाए ना कि सुनाओ राधा रानी की महिमा, तो कृष्ण भी हाथ खड़े कर देंगे, मेरे बस की बात नहीं। राधा रानी की महिमा न मेरी गाने की सामर्थ्य न किसी और की, बस उनका बन जाओ, बस इसी में आनंद।